साथियों, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। यह पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और फिर आप निकलेंगे अपने सामाजिक और आर्थिक युद्ध के लिए, और उस समय उसी की जीत होगी जिसको नॉलेज होगी। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, यह इलन मस्क ने साबित करा था आज से 4 साल पहले, और ये चीज आपको भी साबित करनी है। तो मैं साथियों आज आपके सामने यही विनती लेकर आया हूं। हमने साथियों पढ़ा सेल्फ नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आज के वक्त में जब हम रिलेटिवली खाली बैठे हैं तो एक बड़ा अच्छा अस्त्र है जो हम तैयार कर सकते हैं साथियों, क्योंकि एक वक्त आएगा यह सब महामारी खत्म हो जाएगी और हम लोग अपने काम पे लौटेंगे, और जब हम अपने काम पे लौटेंगे वो हमारे लिए युद्ध की स्थिति होगी, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर पूरी तरह इस कलयुग में अब आ चुका है। और उस समय साथियों बात होगी युद्ध की, और जिस समय युद्ध होता है उस समय युद्ध की तैयारी नहीं होती है। आप एक ही काम कर सकते हो, या तो युद्ध कर सकते हो या युद्ध की तैयारी कर सकते हो। तो समझदारी साथियों ये है कि अभी हम लोग युद्ध की तैयारी कर लें, और युद्ध की तैयारी हम लोग कोई अस्त्रों से युद्ध की तैयारी, वैसे मारक अस्त्रों से तो युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। बजाय टीवी देखने के, बजाय वो डिप्रेशन की बार बार न्यूज़ सुनने के, बजाय की जो है गॉसिप करने के, हम लोग नॉलेज को अटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग फील्ड में काम करने के लिए निकलेंगे साथियों यही नॉलेज हमारे काम आएगी। ये हम लोग के माता पिता कहा करते थे। तो जो मेरे अनुज हैं, मुझसे छोटे हैं और मुझे मानते हैं, मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से केवल, कि साथियों युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ, नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ, नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ, नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ। इस समय अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप जीवित रह सकते हैं, और यह इलन मस्क ने साबित करा था। जब इलन मस्क ने स्पेसएक्स के रॉकेट्स बनाए थे साथियों, तो उसका पहला रॉकेट फेल हुआ था। उसने दुनिया के इंजीनियरों को ला के रॉकेट बनाया, उसका रॉकेट फेल हो गया, लॉन्च नहीं हो पाया। फिर उसने दूसरा रॉकेट बनाया स्पेसएक्स कंपनी ने, वो भी लॉन्च हुआ लेकिन वो भी मिस हैपनिंग होके गिर गया, वो भी उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ। फिर साथियों उसने तीसरी बार रॉकेट उड़ाया। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन उसने तीसरी बार रॉकेट उड़ाया और तीसरी बार भी वो ब्लास्ट हो गया। अब वो दिवालिया हो चुका था। उसके इंटरव्यू में चीज लिखी है साथियों कि वो बड़े इंजीनियर को ला नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे, और छोटे इंजीनियरों को वो ला चुका था, 3 बार रॉकेट ब्लास्ट हो चुका था। अब उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी, लेकिन वो पुराना फिजिक्स का स्टूडेंट था, उसने नॉलेज इकट्ठा करी, उसने पढ़ाई करी, उस उम्र में 40 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, उसने पढ़ाई दोबारा करी, और यहां इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग रॉकेट तो छोड़िए कार का भी इंजन नहीं बना पाते, उसने रॉकेट का इंजन स्वयं डिजाइन करा, उस रॉकेट को लॉन्च करा, और वो रीयूजेबल रॉकेट के रूप में विश्व में पहली बार इतिहास कायम हुआ कि एक ही रॉकेट को सक्सेसफुली स्पेस में भेज के उसको वापस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। तो नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आज इलन मस्क ना होता, आज इलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में ना होता, आज इलन मस्क की टेल्सा कंपनी ना होती, अगर स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट उसने अपनी नॉलेज से ना उड़ा दिया होता जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो चुके थे, और आज नासा उसके साथ मिलके जो है मार्स पे मैंड इस मिशन भेजने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों ये खाली वक्त है, मैं आपसे अपील करता हूं नॉलेज इज द
फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड लर्निंग इज प्यूरिफिकेशन। जब आप किसी चीज को ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो आप गलत आदत छोड़ के अच्छी तरह स्वयं आकर्षित होने लगते हैं। तो लर्निंग एक प्यूरिफिकेशन है और ये चैनल एक अभियान है इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का। मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों, इस अभियान में, महाअभियान में आप भी जुड़िए, जोड़िए लोगों को, जोड़िए अपने साथियों को मन खोल के। मैं वादा करता हूं डॉक्टर उमंग खन्ना कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज रोज देता रहूंगा। बात साथियों अगर आपके दिल तक उतरी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने 100 दोस्तों को हमारे साथ, जो जो साथी इस वीडियो को देखे, अपने 100 दोस्तों को इस वीडियो और अपने चैनल के साथ जोड़ें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। आपका साथियों, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।